Hello everyone, in today's video I'm going to share with you the central idea of the poem Fire and Ice. Before starting this video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without a further ado, let's get started. Central idea of the poem Fire and Ice poem is written by Robert Frost. The central idea of the poem Fire and Ice is that strong emotions and desires can lead to destruction. It means central idea of the poem Fire and Ice जो है एक strong emotion and desire है और ये दो चीजें पतन की ओर ले जा सकता है. The poet uses fire and ice as symbols to represent passion and hatred, showing that both can cause the end of the world. It means कभी जो है fire और ice को पैशन और हेट्रेड मीन्स जुनून और एक नफरत के प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं और ये दोनों ही चीज़ें आप फायर और आइस कहिए या पैशन और हेट्रेड कहिए ये दोनों ही दुनिया ख़त्म होने की कारण को दिखलाते हैं. पोएट मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ आवर एक्शन एंड फीलिंग्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस. इस लाइन का मतलब ये है कि पोएट हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हमारी एक्शन और फीलिंग जो है इसका एक सीरियस नतीजा हो सकता है, एक सीरियस रिजल्ट हो सकता है और हमें ये भी रिमाइंड करते हैं कि हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और बैलेंस होना कितना अनिवार्य है और कितना इम्पोर्टेंट है. तो इसी तरीके से ये पोयम का छोटा सा सेंट्रल आइडिया है जो आप लोगों को पसंद आया होगा. सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.